बैंगलोर में हुई विपक्ष की 26 पार्टियों ने एक साथ मिलकर इंडिया नाम का नया गठबंधन का गठन किया है। इस गठबंधन के बाद भी आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक और मध्य प्रदेश प्रभारी भूपिंदर सिंह जून राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की नीतियां सही हैं, कल्याणकारी हैं, गरीब लोगों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, आम पब्लिक के लिए हैं, तो हमें कम से कम एक मौका दें। और अगर हम कोई काम पिछले अगले 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती हम काम ना कर पाए तो हम उसके बाद वोट मांगने पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। हम यहां तक बोल के आते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम देखिए और कितने अच्छे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं 2 स्टेट्स में, और वो सारे के सारे प्रोग्राम, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, महिला सुरक्षा का हो, करप्शन का हो, बेरोजगारी का हो, ये सारे के सारे मुद्दे हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे और उनका समाधान भी बताएंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी पीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के हर रोज नए नए मामलों का खुलासा हो रहा है। बच्चों की ड्रेस में घोटाला, पोषण आहार में घोटाला, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला। भाजपा के राज में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है। आप विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। प्रत्याशी चयन की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। पार्टी उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ सर्वे रिपोर्ट को ही क्राइटेरिया बना रही है। आप मध्य प्रदेश के हर जिले में हम परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 4 अगस्त को परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा। बीएस जून ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद भी दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं लोगों को देंगे। वहीं मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने में असफल प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर 25 जुलाई को राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। देश की राजनीति में आपका क्या रोल होने वाला है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।